जब इलेक्शन के टाइम आया 75 मुद्दे आएंगे। इलेक्शन खत्म, कान में लीड लगाया, बैठ गया। सरकार जब मना करते, सरकार इलेक्शन टाइम आते कहते हम करवाएंगे करवाएंगे, जमीन नीचे कब करवाएंगे, जब आदमी खत्म हो जा रहा है तब करवाएंगे। सरकार इलेक्शन टाइम सभी हाथ पैर जोड़ने लगते, हम करवा देते, लेके जब जीत जाते हैं तो अपना कर दिखा देते होते। अरे मेरे छत के बगल में तो जवान जवान लड़का गया, जवान जवान लड़की गया है, आंखों के सामने आग धधकते देखी हूँ, तार से चिपक के नीचे गिरते देखी हूँ। हमें सरकार से ये गुजारिश है, हमारे घर में भी दो छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, इस तार को हटा दिया जाए। सरकार को कुर्सी हम पब्लिक दिया, लेकिन कुर्सी के इज्जत नहीं किया। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं झलक दिल्ली। आज हम हैं बिल्डरपुर के जानकीपुरी इलाके में, और यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं हाई वोल्टेज वायर्स की वजह से यहां पे बच्चे हैं कुछ, जिनको जैसे आप देख सकते हैं वो ऊपर वायर कितनी घर के ऊपर से छूती हुई जा रही है, जिनसे 2 छोटे बच्चों को करंट लगा है। तो चलिए देखते हैं कि यहां पे इस पर जो लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं। बच्चे ऊपर गए थे, अब पता नहीं बच्चे क्या कर रहे थे, वो तो कोई देखा नहीं। जब आग लग गया, धमाका हुआ तो सब दौड़ा, तो गया तो बच्चे में आग लगा था, बच्चे के निकाला, तुरंत इन्होंने गाड़ी किया, गाड़ी करके ले गया। लेकिन जैसे ये वायर इतने ऊपर से गई हुई है, तो आपने सरकार को कंप्लेंट नहीं किया इसके लिए? सरकार को 100 बार कंप्लेंट किया है, 100 बार बैठार किया है, हम लोग जा के थक गए, सरकार कुछ नहीं सुनता। और मतलब फिर आप लोगों ने नहीं देखा जब आप ये घर बना रहे थे कि तो एकदम घर के ऊपर से जा रही है वायर? देखो तो उस टाइम पे ऐसा है, प्लॉट का था, बेचा, जब ही तो कोई खरीदा, जब गरीब है तो कम बचत में अपना छत का तो जुगाड़ सब लगाता है, तो नहीं बुद्धि था, खरीद लिया। तो आपके हिसाब से गलती है जितनी भी जो आज हुआ है उसमें गलती किसकी है? सरकार की भी गलती है। तो आपको नहीं लगता कि आम जनता की भी गलती है इसमें? है, जनता की यही गलती है कि हमारा बचत नहीं है तो हम छत के लिए थोड़ा नासमझी किया, लेकिन सरकार क्यों इसका मुआवजा क्यों लिया, मीटर क्यों लगवाया, पाइप क्यों डलवाया, रजिस्ट्री क्यों हुआ, तो ये सरकार की गलती है, नहीं सरकार को करना चाहिए ना। तो यही वो जगह है जहाँ पे वो बच्चे खेल रहे थे, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वायर्स हैं बिजली की इतनी मोटी मोटी सी, ये घर के एकदम ऊपर से गई हुई है। तो आखिर इसमें गलती किसकी है? उनकी, जिन्होंने यहाँ पे ये घर बनाया है, या फिर प्रशासन की, जो इस पे कोई सुनवाई करना नहीं चाहता? आज से बच्चे नहीं खेलते यहाँ पे, सब दिन से बच्चे खेलते हैं। तो मतलब ये पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी हुआ है? इससे पहले पीछे भी हुआ था, इससे इस मकान में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अच्छा, इससे पहले पीछे वाला मकान में हुआ था। मतलब यहाँ पे जितने भी इससे लगे हुए बहुत सारे जो प्लॉट है उनमें ऐसा होता रहता है? ये आम बात है। दिल्ली पुलिस आई थी टाइम पे, सारे लोग, फायर ब्रिगेड सब ने अच्छा कोऑपरेट करा, यही एम्बुलेंस दोबारा फिर रिपीट कॉल हो गई, फिर देखिए आए हैं उन लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स था, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी ये मुद्दा ऐसा है जी, अभी आप खड़े हो, अब मई जून के अंदर ये वायर कम से कम 3 से 4 फुट और नीचे आ जाती है जब हीट होती है, उन दिनों में तो ये लगा लो कि सांस ही सूखी रहती है। तो मामला तो ये डेंजर बड़ा है ही है। बाकी एक घर में लगेगा तो ये कम से कम 200 घर का लपेटा लेता है, एक घर में लगा तो 200 घर का लपेटा लेता है, इस पे सरकार कोई कानून नहीं। जो छत पे थे उन्होंने के साथ हुआ, जो उनके कपड़ों में आग थी वो बुझाई, बच्चों को नीचे लाए, उनके कपड़े फाड़े, उसके कंबल में लपेट के अपनी गाड़ी में लेके गए। चंदनदेवी वाले हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि ट्रॉमा सेंटर ले जाइए, हमारा केस नहीं है, हम नहीं ले सकते, तो अपनी ही गाड़ी में फिर वहाँ से सफदरजंग ले गए, आ गए, उन्होंने एडमिट करा वहाँ MLC, बच्चों का इलाज हो रहा है वहाँ। तो मतलब बच्चे ठीक हैं अभी? अभी ठीक हैं बच्चे, अब तो उनको हाथ में है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, जिसको मर रहा वो जाने ना, उनको क्या, वो तो ऑफिस में अपना कुर्सी पर बैठे रहता है, नोट दीवारों में चिपकाता है, निकालता है, अपने बच्चे विदेश भेजता है, गरीबों का बच्चा रोड पे मर रहा कट रहा, उनको कोई परवाही नहीं है, उनका कोई फिक्र नहीं है। सरकार को समझ रहता 50 गज को जो 1,00,000 रुपया रजिस्ट्री कराई लेता है वो नहीं करता ना, मीटर लगाया नहीं लगाता ना, पानी को लाइन दिया नहीं देता ना, पहले ही मना कर देता कि ये सरकार का जमीन है, यहाँ ये नहीं घर बन सकता, इंसान बैठ जाता, नहीं लेता। सरकार को गलती तो पूरा है, जमींदारों की जमीन सरकार ने थोड़ी ये कहा तुम लो इसको, ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। सरकार ने ये नहीं कहा, हम लोगों को, हमने भी ले रखा है, हमें ये नहीं कहा तुम ये ले लो प्लाट,
मतलब ये हमें भी दिख रहा है तार है आइटम से, हमें दिख रहा है ना ये तार है, तो हम क्यों ले रहे हैं, गलती हमारी है। अभी तुम इसको मारा है सरकार की, बस ये सरकार से एक बार ये तार निकल जानी चाहिए आइटम से, ये मतलब है हमारा प्लाट है ये सरकार ने करेंगे, पानी भी चाहिए बिजली चाहिए, फ्री तो देगा नहीं कोई भी, ये जमींदारों की जमीन थी, ये सरकार की नहीं थी, ये खेती बाड़ी होती थी यहाँ पर मैडम समझी, खेती बाड़ी होती हाँ। रजिस्ट्री किसने किया, सरकार की। हाँ रजिस्ट्री तो करेगी सरकार, सरकार रजिस्ट्री किया हाँ, जमींदार तो नहीं कागज बना के दे दिया हमें हाँ। दिया तो सरकार, तो फिर क्यों नहीं सरकार की गलती, सरकार की क्यों नहीं गलती है, 16 आना सरकार की गलती है, गलती दोनों की है, अपनी पार्टी की भी है, जिसने खरीदा उसकी भी गलती है, जिसने बेचा उसकी भी गलती है, गलती यही है कि हम सब बेचते हैं, अब आप यहाँ से बेच के जाओगे, आप किसी उसके लिए बेच के जाओगे ना यहाँ से, छोटे मोटे काम कम बजट में लेना चाहेगा अपना बच्चे को, मेरे भी उस समय तो रोकना चाहिए ना, बीस दिन बंद है, उस समय पुलिस वाला कहाँ गया था, उस समय बंद करना चाहिए ना, ये बना उस समय कहाँ आ गया, आजकल मीटर भी नहीं दे रही है सरकार, नहीं दे कैसे दे दिया सरकारी मीटर, एक मीटर दे दिया मेरे खुद है छत पे तार नहीं दे रहे, मेरे को एक मीटर है मेरा, मैंने किसी के एक मीटर लगा हुआ है ना, तो उस समय रोकना चाहिए ना, जिसमें मेरा बचा हुआ तार से, मेरा मकान खुद बचा हुआ है, बचा हुआ मान गया आपका भी कहना, उस समय तो रोकना चाहिए, इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, आप यहाँ भी बोल रहे हैं घटना होगा तो ऐसा बात हो गया, जमींदार नहीं 50 गज का 1,00,000 रुपया रजिस्ट्री में लिया है, लिया है सरकार, सरकार का गलती है, सरकार इस पे कार्रवाई करे, सरकार इस पे ध्यान दे, या तो मकान के मुआवजा दो, या नहीं तो कहीं जमीन दो, या नहीं तो इस पे कार्रवाई करे, बस सीधी बात। तो यहाँ पे जनता की मांग ये है कि इस तार को या जल्दी से जल्दी हटाया जाए या फिर इसको कवर किया जाए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी अपनी अपनी क्या राय है कि आखिर इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं प्रियांशी शर्मा, कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ, जलगांव दिल्ली।